नमस्कार। क्लास सेवेंथ के बच्चों को यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी मैं क्लास सेवेंथ के बच्चों को पाठ तीन हिमालय की बेटियां पहले मैं शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूं। प्रकृति से अतिशय अटूट लगाव रखने वाले निबंधकार नागार्जुन हिमालय की शीर्षक पाठ के संदर्भ में ये बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत से जितनी नदियाँ निकलती हैं वे सभी नदियाँ हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय मानो पिता के रूप में है और उनसे निकलने वाली सभी नदियां जैसे गंगा यमुना आदि नदियां उनकी बेटियां हैं। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि या निबंधकार जहाँ सामान्य लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ भी पहुँच जाते हैं और वहाँ के दृश्य का अवलोकन करके उसे कविता या कहानी का रूप दे डालते हैं। वे आंखों देखा हाल का वर्णन करते हैं। लगता है कि किसी चीज का उसने सजीव चित्रण किया हो। अब आप पाठ्य पुस्तक के निबंध पर ध्यान दें। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। अभी तक लेखक नदियों को दूर से देखा था और ऐसा महसूस किया था कि जैसे कोई ऊंच कुल की महिला का स्वभाव शांत और गंभीर होता है वैसे ही नदियों का भी स्वरूप है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति? नदियों के प्रति। लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव हमेशा से रहे हैं। माँ और दीदी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। बहुत से लेखक ने नदियों को केवल माँ की ही संज्ञा दी है, लेकिन यहाँ पर निबंधकार नागार्जुन ने नदियों की उपमा माँ, मौसी और मामी तीनों से की है, क्योंकि तीनों में माता सी झलक मिलती है। जैसे एक ममतामयी माता में सभी गुण माँ के विद्यमान रहते हैं, वैसे ही चाहे माँ हो, दादी हो, मौसी हो या मामी हो, सब माता तुल्य होती है। परंतु एक बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कहने का मतलब एक बार लेखक हिमालय की यात्रा में गया, यात्रा के क्रम में हिमालय के तलहटियों को पार करके उसके ऊपरी भाग पर अर्थात
कंधे पर गया। यहाँ पर हिमालय पर्वत की उपमा मनुष्य से की गई है, क्योंकि कंधे मनुष्य के होते हैं। हिमालय पर्वत मानो एक मनुष्य हो और उनके कंधे तक पहुंच गए हैं। कौन? निबंधकार नागार्जुन। तो वे कुछ और रूप में सामने थी। पहले तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जब हिमालय के कंधे पर लेखक पहुंचा तो वहां पर नदियों का रूप कुछ और था। वह हैरान था। हैरान था मतलब वह आश्चर्यचकित था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वह ऐसा देख करके अचरज में पड़ा हुआ था कि यह दुबली पतली गंगा और यमुना यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। वहां पर गंगा और यमुना दुबली पतली नजर आती है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर इन नदियों का सपाट चौड़ा नहीं होता। मिट्टी अत्यंत कठोर होती है, कंकड़ीली पथरीली मिट्टी होने के कारण और ढलान पर गिरने के कारण ये नदियां काफी पतली होती हैं, जिनकी धारा काफी तेज होती है। इसलिए जैसे किसी मनुष्य को दुबला पतला कहा जाता है, यहाँ पर नदियों का मानवीकरण किया गया है और उन्हें लेखक दुबली पतली कहता है, क्योंकि इसका सपाट बहुत ही कम था। और वही नदियां जब समतल पर आ जाती हैं तो उनका सपाट चौड़ा हो जाता है, क्योंकि समतल पर आने के बाद सामान्य मिट्टी नजर आती है, जिसको नदी काट करके अपना विस्तृत रूप धारण कर लेती है। जब सपाट चौड़ा हो जाता है तो वह उछलना कूदना खिलखिलाना हंसना कम कर देती है। उनकी भाव भंगिमाएं उनका भाव भंगिमा उनका भाव भंगी मतलब हाव भाव, उनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता। कहने का मतलब, जब तक नदियां पर्वतों पर रहती हैं, तब तक उसकी भाव भंगिमाएं अलग रहती हैं, और जब समतल पर आ जाती है तो उसकी भाव भंगिमाएं में अंतर महसूस होता है। कहने का मतलब, वह उतना उत्साहित नहीं रहती जितना उत्साहित पर्वतों पर रहती है नदियां, उतना उत्साहित समतल भूभाग पर नहीं रहती। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला कहते हैं बचपन में जैसे बच्चे चंचल होते हैं, उस तरह से हिमालय की बेटियां जब हिमालय पर्वत पर रहा करती हैं तब उसका चाल चलन उसका रहन सहन अलग होता है, लेकिन जब वह समतल पर आ जाती है मतलब जब कुछ सयानी हो जाती है तो वह गंभीर हो जाती है। कहाँ से भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने
उन्हें बेचैन कर रखा है। नहीं, इसके ऊपर दो लाइन छूटा हुआ है। तभी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है तभी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जैसे कोई फूल की कली को लेखक देखता है तो उसके अंदर वह उत्साह उत्पन्न नहीं होता या वह दुख प्रकट नहीं होता जितना कि हिमालय की बेटियों को अर्थात हिमालय से निकली हुई नदियों की बाल लीला को देखकर उसे उत्साह और दुख होता है। अब नदियों के बारे में कभी निबंधकार सोचने से थकता नहीं है, वह उसकी गहराई में जाना चाहता है कि आखिर इसके तेजी होने का क्या कारण है, ये क्यों इतनी तेजी में है, क्या हिमालय जैसे महान पिता को पाकर उनका हृदय अतृप्त है, कहने का मतलब तृप्त नहीं है, वे संतुष्ट नहीं है। जिस हिमालय के पास सब कुछ है उस हिमालय से ये असंतुष्ट है तो आखिर इनका लक्ष्य क्या है। अगर हृदय तृप्त ही है तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा। कहने का मतलब अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं है, किनका हृदय, नदियों का हृदय, कौन से महान पिता, हिमालय जैसे महान पिता या विराट पिता के प्रेम से यदि गंगा यमुना सरजू गंडक कोसी आदि नदियां अतृप्त हैं असंतुष्ट हैं तो वह कौन होगा इनसे बड़ा, इनसे विराट, जो इनके प्यास को मिटा सकेगा। क्या बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर, बंधुर मीन्स होता है मुकुट, अधित्य काएं मीन्स होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, सरसब्ज मीन्स होता है हरा भरा। तो क्या कहते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर जो मुकुट के समान समतल भूमि है वहां जाकर ये संतुष्ट होगी या हरे भरे घाटियों में जाकर घाटियों को पाकर ये संतुष्ट होगी या कोई बियावान कहते हैं जंगलों को, बियावान की चर्चा इसमें नहीं है लेकिन किसी भी जंगल को बियावान कहते हैं क्योंकि जंगलों में पौधों का निर्माण स्वतः होता है, उसमें कोई लगाने के लिए नहीं जाता, जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कायल के जंगलों में पहुंचकर लेखक अनुभव करता है कि वहां पर नदियों को सोचने समझने का या अपनी बीती बातों पर विचार करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। किसी
पिता की एक बेटी की विदाई हो जाती है तो वह पिता सिर ढूंढता है। हिमालय कैसा है जिनकी सभी बेटियां उनकी गोद से निकल गई तो वह पिता भला कैसा होगा, वह तो सिर ढूंढता होगा, वह आज मौन के रूप में केवल देखा जाता है। अब अगला पैराग्राफ में देखें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिलों की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ निबंधकार नागार्जुन दोनों को नदियों के रूप में चर्चा की है, दोनों हिमालय की बेटियों के रूप में उन्होंने दर्शाया है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यदि सोचा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों महानद हैं, जो इसकी विशेषता रही है कि जो हिमालय के हृदय पिघलने से बूंद बूंद एकत्रित होता है उससे इन दोनों नदियों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हिमालय की दो विशेष नदियां हैं और इन नदियों को पाकर जो समुद्र इन नदियों को नदियों का हाथ पकड़ता होगा वह कितना गौरवान्वित होता होगा। कभी यहाँ सोचने को बाध्य हो जाता है कि कोई गौरवान्वित कोई गौरव की वस्तु को पाने के बाद पाने वाले गौरवान्वित होने लगते हैं तो उसके अंदर अपनी महानता पर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता होगा। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और हिमालय और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कहने का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों को पहाड़ी प्रदेश के लोग इन नदियों को देखते होंगे तो वे हैरान नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने रात दिन उन नदियों को देखता है। लेकिन कोई नया आदमी जो समतल पर रहने वाला है यदि उन नदियों को देख ले तो उसे हैरानी जरूर होगी और इस स्थिति में नदियों को देखकर लेखक अनुभव करता है कि हिमालय पिता ससुर है मतलब लड़कियों के पिता है तो समुद्र इन नदी रूपी लड़कियों से शादी करने वाला अर्थात दामाद के रूप में होगा। आगे देखें, कालिदास ने कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था बेतरवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास ने विरही
कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघ दूत से कहा था। यक्ष मेघ को दूत बनाकर भेजा था और कहा था कि बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का मतलब होता है बदले में दान। यदि कोई आपको प्रेम देता है यानी आपसे प्रेम करता है तो उसके बदले में उससे प्रेम करना प्रेम का प्रतिदान होता है। तुम्हारी यह प्रेयसी, प्रेयसी मीन्स प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम का प्रतिदान करे तो प्रेमिका अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन रूप जो चेतना के साथ थी, जो इतना बेचैन होने के बावजूद भी उनकी चेतना कहीं गई नहीं थी, वह व्याकुल नहीं थी। उनके मन मस्तिष्क का संतुलन बना हुआ था। उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर ली थी। दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कहने का मतलब, जैसे कालिदास ने यक्ष कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि तुम प्रेम का अपने प्रेयसी को प्रतिदान देते जाना, ऐसे यहाँ निबंधकार नागार्जुन भी नदियों को देखकर प्रेम का प्रतिदान करते जा रहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता का शाब्दिक अर्थ होता है लोक मतलब संसार, जिसको संसार माता के रूप में पूजता है, जिसको संसार के लोगों के द्वारा पूजनीय माना गया है, वे ही लोक माता है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, एक ही व्यक्ति को उम्र के अनुसार लोग विविध संबंधों से तुलना करते हैं। जैसे कोई आपके माता के समान है तो माता, कोई बहन के समान है तो बहन, कोई भाई के समान है तो भाई, कोई पिता के समान है तो पिता। यानी आपके नजर में वह जिसके समान हो उसको संबोधित करना, यह आपकी बुद्धिमानी होती है। जैसे लेखक काफी बुजुर्ग है इसलिए हिमालय को बेटियों के रूप में देखता है और उसको देख करके काका कालेलकर भी माता मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग इनसे विविध संबंध रखते हैं। कोई बेटी का संबंध रखता है तो कोई बहन का संबंध रखता है तो कोई माता का संबंध रखता है। ये सभी संबंध मान्य है क्योंकि ये सभी संबंध पवित्र होते हैं। ये सब पवित्र के विविध धागे हैं, ये सब प्रेम के विविध धागे हैं।
पवित्र के नहीं प्रेम के विविध धागे हैं। चाहे जिस धागा को आप अपना कर चले, जैसे कालेलकर की नजर में लोक माता है, लोक माता की तरह ये नदियां हैं, जैसे माता सहनशील होती है, सहिष्णु होती है, उसमें क्षमा करने की शक्ति होती है, उस तरह से इन नदियों की भाव भंगिमा को देखने पर भी प्रतीत होता है। हाँ, हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज, और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो और कैसे। प्रेयसी कोई प्रेमिका के रूप में भी रखना चाहता है। ममता का एक और ही धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। इन दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक नदी के किनारे गया था और सतलुज नदी में पैर लटका कर के बैठ गया था। वह काफी थका हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी थकान मिट गई और वह उमंग में गुनगुनाने लगा, जैसे कोई अपनी प्रेयसी को देख करके गुनगुनाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। कहता है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ बहन से संबोधित किया है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अचरज है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मन प्रसन्न हो गया। मुदित मतलब प्रसन्न और खुमारी मतलब थकान, थकान मिट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर भाव विभोर हो गया। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप हिमालय है, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। हिमालय चिंतित है क्योंकि तुम सभी नदियां वहां से हिमदा हो गई है, इसलिए चुपचाप हिमालय है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति के पूरे दृश्य नाटक के दृश्य के समान दिखते हैं, पट पर आते रहते हैं। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय का अनुपम और अद्भुत छाप है। जो हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी हे सतलज, जो भी तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम हो या तुम्हारी और भी बहने हो, तुमको देखकर जैसे पतीले के एक चावल को देखने के बाद पूरे पतीले के चावल का कंडीशन मालूम हो जाता है, उस तरह से सतलज नदी को देखकर निबंधकार को पूरी नदियों के स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। आंसर इस प्रकार है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। जैसे हम प्राचीन काल से गंगा, यमुना, कोसी आदि नदियों को माँ के रूप में काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, और हमारे द्वारा ये सब पूजनीय हैं, हमें इनके आंचल की छांव में
ममता का दर्शन होता है। ये ममता सी हमें भी अपनी संतान समझकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करती चली आ रही है। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और विविध रूपों में देखते हैं, जैसे दादी, मौसी और मामी। इनमें भी माता सदृश श्रद्धा के भाव उमड़ते देखा है और ऐसा पाकर वह भी उन्हें आदर एवं सम्मान करता है। दूसरा प्रश्न को देखें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, जिनको ऐतिहासिक तौर पर नद भी माना गया है। इसको महानद भी कहते हैं। वास्तव में ये दोनों स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर ये दोनों महानदों के रूप में प्रवाहित होती हुई समुद्रों में जा मिलती है। समुद्र भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता है जिनको पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य या सुअवसर प्रदान हुआ, जिससे आज भी वह गौरव का अनुभव करते हुए गौरवान्वित होता रहता है। तीसरा प्रश्न देखें, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्योंकि ये युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने में विशेष योगदान है। इसलिए नदियाँ माँ की तरह पवित्र और कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण माता ही कर सकती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों की माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता की दर्जा दिया है। चौथा प्रश्न पर ध्यान दें। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की। हिमालय की यात्रा में लेखक ने मुख्य रूप से हिमालय की अनुपम छटा वाली नदियों के अनोखे रूप का किया है। उसके बाद बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधे से भरी घाटियों की, देवदार चीड़ सरो चिनार सफेदा कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अब इस पाठ का सारांश पर ध्यान दें। प्रकृति से अतिशय लगाव रखने वाले लेखक नागार्जुन अपने हिमालय के यात्रा के दौरान जब एक बार हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों को देखकर हैरान हो गया। ये गंगा यमुना कितनी दुबली पतली नजर आती है। उनकी भाव भंगिमाओं को देखने से वह काफी उत्साहित नजर आती है, जो समतल पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। आज ये नदियां कहाँ भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां
छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां मुकुट के समान पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या हरी भरी घाटियां, ये सब खेलते खेलते दूर निकल जाती होगी। आगे देवदार, चीड़, चिनार और सफेदा से भरे जंगलों में पहुंचती होगी, तो इन्हें अपनी बातों पर सोचने का मौका मिलता होगा। बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए सिर ढूंढता होगा। उसकी हालत चोटियों से पूछने पर मालूम होता है कि वे मौन धारण किए हुए खड़े हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दयालु हिमालय के पिघले हुए तिल से उत्पन्न दो नदियां हैं, जिनको ऐतिहासिक तौर पर नद भी कहा जाता है, जिसको पाकर वह समुद्र गौरव का अनुभव करता है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन नदियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, क्योंकि इसे रात दिन देखते हैं, लेकिन लेखक के लिए यह दृश्य लुभावना प्रतीत हुआ और उसने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद के रूप में देखा, जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी को किसी से हाथ पकड़वा देता है, ऐसे हिमालय अपनी बेटियों को समुद्र से हाथ पकड़वा देता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, मतलब संसार के लोगों की माता, अर्थात जिसको संसार के लोगों ने नदियों में एक ममता मई सहनशील माता के सभी गुण साफ साफ दिखते हैं। एक माता जैसा पवित्र भाव दिखने पर नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। धन्यवाद।